अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजू का मिश्रा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस और ये इसका क्लास नंबर 3 है। अगर इससे पहले आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको भी पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बात क्लियर कर दूं कि जो भी आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो है वो इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी यहां पे मैं पढ़ाऊंगा फुली डिटेल्ड होगा तो आप पेशेंस जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसमें हमने मेनली क्या देखा था, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, पहला प्राइवेट सेक्टर दूसरा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वही है जो चैप्टर 2 था हमारा, पांचों टाइप, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और कंपनी, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे 3 पार्ट्स बटे थे, पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ठीक है। यानी ग्लोबल इंटरप्राइजेस का सिंपल सा यही मतलब है क्या कि जो कंपनी एक से ज्यादा देश में ऑपरेट करते हैं उनको ग्लोबल इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। तो एट सम टाइम यू मस्ट हैव कम अक्रॉस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और उनको ही क्या बोलते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इन द लास्ट 10 ईयर MNCs हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, दे हैव बिकम अ कॉमन फीचर्स ऑफ मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसको डेवलप करने में, उसका डेवलपमेंट उसमें प्रोस्पर करने में जो MNCs होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए MNCs जो होती है वो बाहर की नॉर्मली कंपनियां होती है, बाहर कहने का मतलब डेवलप कंपनी से कंट्री से आई हुई होती है, तो उनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी होता है, बहुत अच्छा विजन होता है जिसके थ्रू वो उस इकोनॉमी में जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको भी डेवलप कर देती है, ठीक है। MNCs as is evident from what we see around us are gigantic corporations which have their own operations in a number of countries. बहुत ही बड़े लेवल पे वो ऑपरेट करती हैं और एक से ज्यादा कंट्री में भी ऑपरेट करती हैं। They are characterized by their huge size. बहुत बड़ा साइज होता है उनका, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी होता है और नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ये सारे हमारे क्या हो गए, ये फीचर्स हो गए। आगे वैसे आएगा, यहाँ पे अभी याद मत करिएगा, आगे आने वाला है फीचर्स, ठीक है। यही सब मेन फीचर है क्या कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और उनका टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली वो डेवलप्ड कंट्री की होती है तो उनका पास टेक्नोलॉजी भी अच्छा होता है और उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छा होता है, यानी बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं वो। नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन और बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन भी उनका बहुत ही बड़ा होगा। ग्लोबल इंटरप्राइजेस दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्री, ठीक है। ये कौन होती है, वो जो अपने इंडस्ट्री और मार्केटिंग ऑपरेशन को बहुत सारे नेटवर्क जो कि अलग जो ब्रांचेस उनके अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल हैं। Their branches are also called as majority or foreign affiliate. उनके branches ये वैसे relevant नहीं है, उनके branches को majority or foreign affiliates भी बोला जाता है। These enterprises operate in several areas producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries. देखिए पहले तो बहुत सारे countries में भी operate करती हैं और बहुत सारे product भी ये बनाती है, product भी इनका एक नहीं है, ठीक है, product भी बहुत सारा है। They do not aim at maximizing profit. देखिए ये वैसे गलत बात है, कोई भी business aim उसका तो profit ही maximize करना होगा, लेकिन ये थोड़ा उनको बढ़ाने चढ़ाने के लिए लिख रहा है कि they do not aim at maximizing profit from one or two product, but instead spread their branches all over, ठीक है। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि इनका objective profit earn करना नहीं है, branches operate करना यानी और भी expand करना है, ये मेरे हिसाब से सही point नहीं। ये ऐसा बोल सकते हैं कि उनका मेन मोटिव होता है ब्रांचेज ओपन करना, लेकिन ब्रांचेज ओपन करने से भी तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा तो जरूर आएगा जहां पे उनका ब्रांचेज खत्म हो जाएगा और वो प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स कमाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कमाने का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि केवल पैसा कमाना, सिंपल अगर उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी वेल्थ ही तो आपका बन रहा है, ठीक है।
तो वो भी आपका प्रॉफिट ही हुआ. दे हैव एन इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑल्सो. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सेल्स ऑफ टॉप 200 कॉर्पोरेशन वेर इक्विवेलेंट टू 28.3% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इन 1998. यानी 1998 में जो पूरे दुनिया का जीडीपी था उसका 30% के आसपास, यानी 28.3% केवल वो टॉप 200 कॉर्पोरेशंस के बराबर था. यानी दुनिया की 200 बड़ी एमएनसीज का जो टर्नओवर था वो 28.3% जो जीडीपी था वर्ल्ड का वो था. बहुत ही बड़ा बात है 1998 में, ठीक है. दिस शोज दैट द टॉप 200 एमएनसीज कंट्रोल ओवर द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. और ये बताता क्या सीधे सीधे कि जो दुनिया की 200 सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है, एमएनसीज है, वो दुनिया के 1/4 यानी 25% इकोनॉमी जीडीपी मतलब बनाती है, ठीक है. देयरफॉर एमएनसीज आर इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज मैसिव कंट्रोल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल रिसोर्सेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुडविल. और इसीलिए उनका बहुत दबदबा होता है. बाय वर्च्यू ऑफ दिस दे आर एबल to sell any product in different countries. Some of this corporation may be slightly exploitive in nature and concentrate more on selling consumer and luxury items which are not always desirable for developing country. देखिए इसीलिए देखिए इनका इतना बड़ा दबदबा होता है कि यहाँ तक ये सरकार के policies पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं. देखिए जो बड़ी बड़ी MNCs होती है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी हो गया, कोक हो गया और भी बहुत सारा है, तो इनका क्या है पता है, ये अगर चाहें तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसी डालने पे बाध्य कर देती है, क्योंकि इनका एक दबाव होगा क्या कि अगर गवर्नमेंट चेंज वो पॉलिसी नहीं लाएगी तो वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे, ठीक है. और इंडिया से बाहर जाएंगे तो इंडिया को बहुत सारा लॉस होगा, ठीक है. इंडिया के पास नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, फिर लोगों को जॉब मिलता है, तो ये सब फिर इंडिया को लूज करना पड़ेगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, अगर सब कुछ सही है तो फिर वो पॉलिसी ला देती है, ठीक है. अब हम बात करते हैं फीचर क्या है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस का फीचर क्या है. हमने ऑलरेडी सारा पढ़ लिया है. दिस कॉर्पोरेशन है डिस्टिंक्ट फीचर व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. दीज आर एज फॉलो, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो सोचिए उनके पास कितना पैसा होगा, ठीक है. तो उनके पास रिसोर्सेस यानी पैसा बहुत ज्यादा होता है और इसलिए बहुत ही एक्सपेंड करते हैं. और ठीक है, इसका एक आगे इसी के वजह से एक डिमेरिट निकलेगा कि जो लोकल कंपनी होंगी उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके पास जितना पैसा है उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना लो कर देगा कि जो लोकल कंपनी है उनको बिजनेस से निकलना पड़ जाएगा. Huge capital resources. These enterprises are characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise fund from different sources. पहले तो उनके पास पैसा भी ज्यादा है और उनका नाम गुडविल अच्छा होने की वजह से वो इजिली पैसा भी उठा सकते हैं मार्केट से, ठीक है. They are able to tap funds from various sources. They may issue equity share, debenture or bond to the public. They are also in a position to borrow from financial institutions and international bank. यानी बहुत ही जगह से वो पैसा ले सकते हैं. दे एंजॉय क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है. इवन इन्वेस्टर एंड बैंक्स ऑफ द होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. और ये सारे रीजन है, यानी अल्टीमेटली उनका क्रेडिबिलिटी अच्छे होने की वजह से सभी उसमें पैसा लगाना चाहते हैं और इसीलिए उनके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं होता. फॉरेन कोलैबोरेशन. अब बताइए आप, वो बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो जो भी जिस भी देश में जो भी अच्छा होगा वहां से वो कोलैबोरेट करके इस कंट्री में लाएंगे, ठीक है. ग्लोबल इंटरप्राइजेस यूजुअली इंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनी पर्टेनिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट इटीसी. दीज एमएनसीज मे कोलैबोरेट विद द कंपनी इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. देयर आर यूजुअली वेरियस रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसेस, प्राइसिंग, डिविडेंड पेमेंट, टाइट कंट्रोल बाय द फॉरेन टेक्नीशियन एटीसी. इसमें सिंपल सा यही बात बोल रहा क्या कि देखिए जब बाहर की कोई एमएनसी अगर इंडिया में आती है वो इंडिया में अपने ही सेक्टर में, जैसे सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करिए पेप्सी है, ठीक है. पेप्सी जब इंडिया में आएगी तो उसने क्या सोचा कि रेदर देन कि मैं अपना पूरा सेटअप क्रिएट करूँ, एक कोई कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया में रन कर रहे हैं. मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल सपोज करिए इंडिया में एक कंपनी है, मान लीजिए आरसी कोला करके, ठीक है.
ये ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ये इंडियन कंपनी है, बाहर की एमएनसी है, ठीक है। जब ये पेप्सी इंडिया में आया तो उसने बोला आरसी कोला का कि आपका सारा सेटअप हम यूज करेंगे, ठीक है, और हम अपना टेक्नोलॉजी, अपना कैपिटल आपको दे देंगे, और इसकी वजह से दोनों को फायदा हो गया, इसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा और इसको भी नया टेक्नोलॉजी मिला जिसके थ्रू अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस वांटिंग टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपेंड हैव गेन्ड बाय कोलैबोरेटिंग विद द एमएनसी इन टर्म ऑफ पेटेंट्स, रिसोर्सेज एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसीलिए जो बड़े 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 इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो यही कोशिश करते हैं कि जो एमएनसी है उनके साथ कोलैबोरेट कर जाए, ठीक है, ताकि कि जो एमएनसीज है उनका जो भी फीचर है, फॉर एग्जांपल उनके पास कैपिटल ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छा अच्छा है, ठीक है, तो उसका ये यूज कर सके। और इसको क्या फायदा होगा, पेप्सी को क्या फायदा होगा, पेप्सी को यही फायदा होगा कि पेप्सी फिर उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता। आप सपोज करिए अगर पेप्सी को नया सेटअप तैयार करना पड़ता, पहले इंडस्ट्री ओपन करता यहाँ पे, फिर बहुत टाइम भी इन्वेस्ट हो जाता उसको, और एमएनसीज के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए उसने जो लोकल कंपनी है उनसे कोलैबोरेट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दिस फॉरेन कोलैबोरेशंस हैव गिवन राइज टू द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेटेड ऑफ पावर इन ह्यूमन। अच्छा, इतनी बड़ी कंपनीज ये हो गई है क्योंकि इनके पास, मतलब बोल तो रहा हूँ कि इनका इतना पावर है कि ये सरकार को भी बाध्य कर सकती हैं अपने पॉलिसीज को मनवाने के लिए, ठीक है। तो सोच लीजिए इनका कितना मोनोपोली चलता होगा, ठीक है, और जिस सेक्टर में ये आ गए वहां पे लोकल आदमी तो कोई टिक ही नहीं सकता। ये अपने प्राइस को उतना नीचे तक गिरा देंगे, क्यों गिराने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास पैसा बहुत है, कुछ दिनों के लिए लॉस भी सह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एडवांस्ड है, ये भी बहुत ही बड़ा फीचर है। These enterprises possess technology superiority in their method of production. They are able to conform to international standard and quality specification. This leads to industrial progress of the country in which such corporation operate, since they are able to optimally exploit local resources and raw material. Computerization and other inventions have come due to the technological advancement provided by MNC. Simple. क्या बोल रहा है? सिंपल यही बोलने का कोशिश है यहाँ पे कि जो हमारी एमएनसीज होती है उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल का होता, बस वो क्या करती है, जिस कंट्री में भी जाती है उस कंट्री का जो भी लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, लोकल रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल होता है, और वहाँ का जो भी लेबर है, यानी चीप मटेरियल और चीप लेबर को यूज करके अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट कमाते हैं। तो यहाँ से दोनों को फायदा होगा, किसको किसको, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो जिस कंट्री में आया उस कंट्री को भी फायदा हो गया, और उसको फायदा हो गया कि उसको सस्ता लेबर और सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया, और जिस कंट्री का बात हो रहा है उस कंट्री को क्या फायदा होगा कि उस कंट्री वाले को एम्प्लॉयमेंट मिल गया और इसका रिसोर्सेज भी बिकेगा फिर, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी ये रेगुलरली अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करती रहती है। ऐसा नहीं एक बार पेप्सी बना दिया तो पेप्सी पे ही टिके हुए, पेप्सी से भी अब कोई माउंटेन ड्यू बनाता है, फिर जैसे अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जैसे माउंटेन ड्यू शायद पेप्सी का है, वैसे ही स्प्राइट कोक वालों का, फिर उसका मिरिंडा है, दूसरे का फांटा है, फ्रेंटा है, ऐसे सब, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को भी इनोवेट डे बाई डे करते रहते हैं, ठीक। इस अकड़ में नहीं घूमते कि एक बार हम एमएनसी हो गए तो अब कुर्सी तोड़ेंगे, ठीक है, रेगुलरली वो अपने आप को बेटर करने का कोशिश करते रहते हैं। दिस एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंगेज इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए एक उनका अपना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है जो कि ये सारा काम करता है, ठीक है। आगे क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर ह्यूज इन, और उसमें उनका बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, और ठीक है। अगला हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है यानी सेल परचेस करने का तरीका, वो भी बहुत ही मार्वेलस होता है, ठीक है। द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबल कंपनी आर फार मोर इफेक्टिव देन द दो अदर कंपनी, दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और मार्केटिंग वो एग्रेसिवली करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए एग्रेसिव मार्केटिंग करने में मेनली किस चीज़ का जरूरत है, पहला तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और वेल ट्रेन वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और दूसरा कि आपको मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो दोनों उनके पास होता है और इसलिए वो मार्केटिंग
बहुत ही एग्रेसिवली करते हैं और इसीलिए मार्केट में बहुत ही जल्दी वो बूम कर जाते हैं, ठीक है। दे पोजेसेस अ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मार्केट के बारे में जानकारी हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी और कोक पहले इंडिया में उसने क्या किया होगा, देखा होगा कि देखिए मेनली पेप्सी और कोक कौन, वो जो मिड रेंज वाले लोग होते हैं, जैसे 15 से लेके 30-35 साल की उम्र के लोग ही ज्यादा पेप्सी कोक ये सब पीते हैं। तो उसने देखा कि इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन इनका है, तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी टिक पाए, ठीक है। तो यानी पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मार्केट का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और इसमें तो उनको महारत हासिल है, ठीक है। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव since they already have carved out a place for themselves in the global market and their brands are well known, selling the products is not problem. देखिए, एक कंपनी जो कि बहुत सारे देश में ऑपरेट करती है, अगर किसी नए कंट्री में भी वो आएगी, तो ऑलरेडी वो बहुत ही वेल ब्रांड है उसका, उसका ब्रांड का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो वो नए कंट्री में भी आने के लिए उसको ज्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट हमारा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, ठीक है। इसमें क्या है, देयर ऑपरेशन एंड एक्टिविटी एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ देयर ऑन कंट्री, देयर इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्ड अप एंड देयर मार्केट टेरिटरी एक्सपेंड इनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड। दे ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज ब्रांचेस एंड एफिलिएट इन होस्ट कंट्री ड्यू टू देयर जायंट साइज they occupy a dominant position in the market. देखिए, जो हमारी MNCs होती है उसका एक तो कोई ऐसा कंट्री होगा जो बेस कंट्री है, यानी जहां से उसने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया होगा। फिर वो दूसरे कंट्री में जाने के लिए क्या करती है, वो उस कंट्री में एक नई कंपनी खोल देती है। जैसे देखिए, एक वर्ल्ड लेवल पे कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है यूनिलीवर लिमिटेड। अब ये क्या करती है, अगर इंडिया में आएगी तो ये अपने कंपनी का नाम रख देती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाम से तो आपको लग रहा होगा इंडियन कंपनी है, लेकिन ये कि ये कंपनी है यूनिलीवर लिमिटेड, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि किस कंट्री का ये है यूनिलीवर, उसी की ये सब्सिडरी कंपनी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सब्सिडरी का मतलब क्या, कि वो कंपनी यानी इसने अगर इस कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिया तो ये हो जाती है सब्सिडरी और ये हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो इसने इंडिया में किया हिंदुस्तान यूनिलीवर, वैसे ही नेपाल में जब ये ऑपरेट करेगी तो लिख देगी नेपाल यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। यानी समझिए कि जो हमारी एमएनसीज होती है, मान के चलते, सपोज कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये मान के चलिए आप अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो ये अगर अमेरिका के एंगल से सोचा जाए तो ये कंट्री मोर देन दी मार्केट टेरिटरी उसका केवल अमेरिका नहीं है, वो बाहर भी ऑपरेट कर रही है। अब ऑपरेट करने का बहुत तरीका है, यहाँ पे भी वो नाम यूनिलीवर लिमिटेड यूज कर सकती थी, ठीक है, उससे भी कर सकती है, और वहां पे एक दूसरी कंपनी खोल देगी और उस कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर अपने पास रखेगी और वैसे भी वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल डव जो होता है, ये भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक बार मैं गूगल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए जो यूनिलीवर का प्रोडक्ट का लिस्ट है वो क्या क्या है, बहुत सारे, अन्नपूर्णा साल्ट हो गया, आटा हो गया, फिर ब्रू कॉफी हो गया, ब्रूक बॉन्ड हो गया, किसान हो गया, केचप, किसान केचप, जूसेस, जैम्स, लिप्टन टी, नॉर्थ सूप, क्वालिटी वॉल्स, फ्रोजन डेजर्ट्स, जो क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम आते हैं, वो सारा किसका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं विकीपीडिया पे कि यूनिलीवर कंपनी कहाँ की है। ये कंपनी है हमारी ब्रिटिश डच मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स है, यानी ब्रिटेन, मेनली ब्रिटेन और डच की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चेक करा दिया, ठीक। अब आते हैं आगे हम, तो बात आप समझ गए, बहुत सारे ही प्रोडक्ट्स हैं इसके, किसान वाला सारा प्रोडक्ट इसी का है, फिर लिप्टन टी इसी का है, क्वालिटी वॉल्स जो आता है वो सब भी इसी का है। तो मतलब मैं ये दिखाना, जो अभी ये बोल रहा था कि एमएनसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो एक एमएनसी जिसका नाम है यूनिलीवर लिमिटेड, वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, किस नाम से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मैं ये कंफर्म हूँ कि आपको ये आज तक नहीं पता था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहले तो इसका नाम भी आपको पता हो या ना हो, लेकिन अगर नाम भी पता होगा तो आप सोचते होंगे कि नाम में हिंदुस्तान है तो इंडियन कंपनी है,
लेकिन इंडियन कंपनी होते हुए भी इसका बॉस कौन है? इसका बॉस इंडियन नहीं है, इसका बॉस यूनिलीवर लिमिटेड है, ठीक है, जो कि बाहर की, कहां की कंपनी है ये? ब्रिटेन, मैंने गलत बोला था, ये ब्रिटिश और डच कंपनी है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यही बोल रहा है कि एक्सपेंशन उनका मार्केट से टेरिटरी से भी आगे है, यानी वो ब्रिटेन के अलावा और भी देश में ऑपरेट करते हैं, और इनका तो अजब ही खेल है, ये जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के नाम से ऑपरेट करते हैं। अगला है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जो एमएनसीज होते हैं उसका कंट्रोल एक एक जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने यूनिलीवर का एग्जाम्पल देखा था, उसका सारा का सारा कंट्रोल कहाँ पे है? वो ब्रिटेन में जो उसका हेडक्वार्टर होगा वहां से ही मेनली ऑपरेट होता होगा, लेकिन वैसे जो जो बड़े बड़े डिसीजन होते होंगे वो वहां से होते हैं, लेकिन छोटे छोटे तो यहीं पे जो उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसर्स रिक्रूट किया होगा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी कुछ हेड्स होंगे, छोटे छोटे डिसीजन तो वही करेंगे, लेकिन बहुत ही जब बड़ा डिसीजन होगा तो वो उधर से परमिशन पहले लेना पड़ेगा। They have their headquarters in their home country. और normally जो headquarter होता है वो home country पे ही होता है। For example, जो हमारा HUL का example, sorry, Unilever Limited का जो example था, वो उसमें Britain में headquarter है उसका। And exercise control over all the branches and subsidiaries. और वहीं से वो अपने control को exercise करते हैं। However, this control is limited to the broad policy. और वो वहाँ पे जो control करते हैं mainly broad policy से related ही करते हैं, यानी बड़े-बड़े decision से। There is no interference in day-to-day operation. और day-to-day operations जो होते हैं वो जो यहाँ की कंपनी जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके जो हेड होंगे वो यहाँ के operations मिली डील करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या पूछेंगे वो? What are the features of global enterprises? Important है, ठीक है, exam point of view से, तो इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने fully डेडिकेटेड इसको 20 मिनट लगा दिया समझाने में, तो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा जॉइंट वेंचर, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि कितना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। अगला हमारा जॉइंट वेंचर कंपनी, इसका पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, दो कंपनी अपने अपने, देखिए हर कंपनी का अपना एक सेगमेंट होता होगा कि मैं इस चीज में ज्यादा अच्छा हूं, मैं इस चीज में। हो सकता है किसी कंपनी के पास पैसे ज्यादा हैं और किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए दोनों कंपनी मिल जाएंगी, ठीक है। सपोज करिए आपने पहले एक गाड़ी का नाम सुना होगा, उसका नाम था हीरो होंडा, ठीक है। एक्चुअली ये ज्वाइंट वेंचर था किसका? किसका? हीरो का और होंडा का, ठीक है। लेकिन अब इनका ज्वाइंट वेंचर जो था वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही था। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो भी गाड़ी पहले हीरो होंडा के नाम से आती थी अब केवल हीरो लिखा होता है उनका, क्योंकि अब इनका जॉइंट वेंचर खत्म हो गया। तो हीरो के पास कुछ अपना टेक्नोलॉजी था और हीरो के पास मेनली इंडिया मार्केट में उसको जाना जाता था, और होंडा क्या था, इसके पास टेक्नोलॉजी था। तो जब होंडा आई इंडिया में तो उसने हीरो के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है, उससे क्या बना? हीरो होंडा, ठीक है। लेकिन अब कोलैबोरेशन खत्म हो गया, इनका जॉइंट वेंचर जो था वो खत्म हो गया, तो अब ये केवल हीरो के नाम से ही आती है। तो दो कंपनी अपने अपने बेस्ट चीज को यूटिलाइज करने के लिए एक साथ आ जाती है और फिर प्रोडक्ट लाते हैं, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं सिंपल टर्म्स, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज यू हैव स्टडीड अर्लियर कैन बी वेरियस टाइप, प्राइवेट, गवर्नमेंट ऑन और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज सो डिजायरस कैन जॉइन हैंड with another business organization for mutual benefit. एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मैच मतलब अपने बिजनेस को मर्ज कर देगी, उसको बोलेंगे for mutual benefit. These two organization may be a private government owned or a foreign company. और वो कंपनी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्राइवेट ही, गवर्नमेंट कंपनी भी joint ventures के साथ कर सकती है काम, ठीक है। When two business agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to joint venture. और इसी को क्या बोलते हैं? Joint venture. Businesses of any size can use joint venture to strengthen the long-term relationship or to collaborate on a short-term project. देखिए, एक तो वो जिंदगी भर के लिए ऑपरेट करेंगे, या हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए वो ऑपरेट करें। मान लीजिए दो कंपनी थी, कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है, और एक कंपनी है अशोक लेलैंड, ठीक है, अशोक
ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आप इंडियन आर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाइए, इंडियन आर्मी के लिए बढ़िया उनके लिए ट्रक बनाइए, ठीक है, जो इंडियन आर्मी यूज करेगी, ठीक है। और ये ट्रक का नंबर हो गया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, मान के चलिए 10,000 ट्रक, ठीक है। और उसने लेकिन ये भी बोला कि विद इन वन ईयर मुझे चाहिए। ये कोई भी कंपनी, चाहे वो टाटा मोटर्स थी और चाहे वो अशोक लेलैंड, वो अकेले ये काम 10,000 गाड़ी ट्रक बनाने का एक साल में नहीं कर सकती थी। तो इन दोनों ने हाथ मिलाया क्या, और फिर 10,000 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हुआ, क्या कि 10,000 ट्रक बना के इंडियन आर्मी को सौंप देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही, एक लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए ही ये ज्वाइंट वेंचर रहा हमारा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। A joint venture can be flexible depending upon the party's requirement. This needs to be clearly stated in the joint venture agreement to avoid conflict. आगे का conflict खत्म करने के लिए, आगे कोई conflict ना हो, arise ना हो, उसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि starting से ही सब कुछ जो भी agreement में होगा सब कुछ लिख के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर agreement में breach हुआ तो वो फिर बाहर निकल जाएंगे दोनों, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ज्वाइंट वेंचर मे ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। इन दिस केस देयर आर सर्टेन प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्री व्हिच विल हैव टू बी एडहेर्ड टू। देखिए, अब ज्वाइंट वेंचर आप करेंगे फिर भी जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दस वी सी दैट ज्वाइंट वेंचर मे मीन मेनी थिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट वी आर यूजिंग इट इन, बट इन अ ब्रॉडर सेंस अ ज्वाइंट वेंचर इज पुलिंग द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ। मेनली इसमें क्या होगा, जो दो कंपनी जो मर्ज करे, जरूरी नहीं है कि दो ही कंपनी एक साथ आएंगी, तीन चार भी आ सकते, लेकिन उसमें होगा क्या, पुलिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। वो दोनों का अपना अपना सेक्टर होगा कि हर कंपनी अपने किसी एक चीज होगा उसके पास जो कि बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू उसी सेक्टर की अदर कंपनी, तो वो उसको यूटिलाइज करेंगी, ठीक है। द रिस्क एंड द रिवार्ड ऑफ द बिजनेसेस आर आल्सो शेयर, और जो कम उसमें रिस्क है वो भी शेयर हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड द ज्वाइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन डेवलपमेंट ऑफ न्यू। अच्छा, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करने में बहुत सारा पैसा लगता है, और पैसा अकेले अगर नहीं लगा सकते तो ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे, या नया प्रोडक्ट R&D के थ्रू मार्केट में लॉन्च करना हो, ठीक है। ये सब रीजन हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर बनाने के, ठीक है। और क्या है हमारे पास, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट ज्वाइंट वेंचर विद अदर बिजनेसेस कंपनी एंड फॉर्म ए स्ट्रेटेजिक अलायंस विद देम, ठीक है। द रीजन फॉर दिस अलायंसेस मे बी कंप्लीमेंट्री कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज सच एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। यानी बहुत सारा, देखिए कोई कंपनी होती है जिसका टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसी में आपको एग्जांपल देता हूं, आप इंडिया को किसी भी कोने पे चले जाइए, किसी भी कोने पे, ठीक है, चाहे एक छोटा सा गांव हो या बड़ा सा शहर हो, ठीक है, एक पहाड़ी इलाका हो या रेगिस्तान हो, सभी जगह आपको एक मैगी जरूर मिलेगा, ठीक है। ये किस चीज का करामात है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखिए कि हर जगह हमेशा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। या डाबर का हाजमोला होता है, डाबर हाजमोला होता है, वो भी आप देखेंगे सब जगह होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो इतना स्ट्रांग है कि हर जगह अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने में सक्षम है ये, ठीक है। तो दो कंपनी हो सकते इसलिए मर्ज करें क्योंकि एक कंपनी के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रांग हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी किसी कंपनी का बहुत ही अच्छा हो। या तीसरा फाइनेंस, यानी उसके पास पैसा बहुत ज्यादा। ये सब रीजन होते हैं कि कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आती है। In this kind of joint venture, two or more parent companies agree to share capital, और वो वहाँ पे क्या share करेंगे? Capital, technology, human resources, risk, reward in the formation of a new entity under shared control. ठीक है, और ये सब उसमें share होगा, ठीक है। In India, joint venture company are the best way of doing business. There are no separate law for the joint venture company. देखिए, joint venture company के लिए separate law नहीं है। देखिए, joint venture आप केवल company में ही नहीं, अगर दो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, वो भी अपने आप को मर्ज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मर्ज करके उन पे है कि वो फर्म बनाना चाहती है, जो मर्ज्ड कंपनी होगी वो फर्म होगी या
या कंपनी होगी वो देखने वाला बात है, ठीक है। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ट्रीटेड एज द सेम एज द डोमेस्टिक कंपनी, और कंपनी अगर इंडिया में फिर से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया तो इंडियन कंपनी होगी, इंडियन डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर आर ऑफ टू टाइप्स, पहला कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर और दूसरा इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। आगे बात करते हैं, देखिए ज्वाइंट वेंचर पहला है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल यानी सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोऑपरेशन एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक अलायंस, और दूसरा हमारा इक्विटी बेस्ड यानी शेयरिंग बेस्ड, या तो वो कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है और पार्टनरशिप भी हो सकती है। आगे हम पढ़ते हैं इसी को। अगला हमारा टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, पहला हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। इसमें क्या होता है कि इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर अ न्यू ज्वाइंट ऑन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं क्रिएट होगी, एंटिटी तो वही रहेंगी, बस उस कोई काम करेंगे बस, ठीक है। यानी दोनों मिलके एक नया कंपनी या फर्म नहीं ओपन करेंगे, फर्म तो वही रहेगी, बस जो वो काम होगा उस काम को कर दिया जाएगा, ठीक है। देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट, केवल वहां पे क्या होगा, एग्रीमेंट ही होगा, कोई सेपरेट, जैसे दो लोग दो कंपनी मिलकर बैठेंगे, बोलेंगे कि हम इस काम को करने के लिए आ रहे हैं, इस काम को करने में जो भी प्रॉफिट होगा इस हिसाब से शेयर कर लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार जॉइंट वेंचर में एक कंपनी ही क्रिएट हो, ठीक है, केवल एग्रीमेंट से ही अगर काम चल रहा है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है। द पार्टीज डू नॉट शेयर ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइजेस सम एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर, वहां पे कोई ऑनरशिप का शेयरिंग नहीं होता, केवल जो कंट्रोल होता है वो एक्सरसाइज होता है। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप, इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट आर टू अ मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर, ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर एंड द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बट हैज द कैरेक्टर ऑफ रिलेटिव लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, सिंपल है ये, इजीली आप समझ जाएंगे। मेन है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ कंपनी ओपन होगी, यहाँ पे जो पिछला था हमारा सीधे एग्रीमेंट से काम चल गया, यहाँ पे एक सेपरेट कंपनी, चाहे वो कंपनी बने या ज्वाइंट वेंचर बने या एलएलपी बने, सॉरी एक कंपनी बने, एक पार्टनरशिप बने या एलएलपी बने, यहाँ पे कोई एक कंपनी फॉर्म होगी, ठीक है। An equity joint venture or agreement is one in which separate business entity, एक business entity open होगी, ठीक है, jointly owned by two or more parties, और उसमें ownership किसका होगा, उन्हीं सभी partners का होगा, जो company merge मतलब मिलके वो काम शुरू करे वही होंगी उनके owners। The key operative factor in such case is joint ownership by two or more parties. The form of business entity may vary from company, partnership firm, trust, LLP firm, venture capital fund, etc. यानी इन फॉर्म्स में ये बिजनेस ओपन हो सकता है। There is an agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into the ownership of an existing entity. ठीक है, यहाँ पे दो, या तो नया एंटिटी ओपन हो सकता है या जो दूसरी कंपनी है वो एक कंपनी के साथ में आ जाएगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सपोज करिए एक हीरो थी एक होंडा थी, दो केस हो सकता है, होंडा हीरो में ही आ जाएगी, ठीक है, और दूसरा होगा कि हीरो और होंडा दोनों मिला के एक नई कंपनी हीरो होंडा ओपन कर देंगे, ठीक है। शेयर्ड ऑनरशिप होगा, शेयर्ड मैनेजमेंट होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, शेयर प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ शेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ शेयर होगा। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, यानी जो भी कंपनी मर्ज होंगी उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा जो कि लिखा होगा और दोनों पार्टी साइन करेंगी, हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का बेसिस क्या है। द टर्म्स शुड बी थॉरली डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस एट अ लेटर स्टेज, यानी सब कुछ सिंपल बात कि जो भी होगा सब कुछ फुली वहां पे लिखा होगा ताकि कि आगे कोई उन दोनों में झगड़ा ना हो। नेगोशिएशंस एंड टर्म मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टी, ठीक है, वो सिंपल बात है, वो एग्रीमेंट से रिलेटेड है, वो हमें जरूरत नहीं है। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल एंड लाइसेंसेस विल बी ऑब्टेंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, और वो जो काम हम करने जा रहे हैं ऐसा नहीं हो कि किसी के सोशल बैकग्राउंड के अगेंस्ट हो, और दूसरा कि गवर्नमेंट से जो भी रूल रेगुलेशन परमिट लेना पड़े वो ऑलरेडी लेने का भी वहां पे लिखा हो। एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
एक है अभी AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 4 नवंबर 1993, ज्वाइंट वेंचर होल्डर बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और नाइको एसे फ्रांस, यानी दो कंपनी, एक बाल्मर लॉरी एंड कंपनी और नाइको एसे फ्रांस, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया क्या, AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था, मिनरल बेस्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल डिफेंस एंड सिविल एविएशन यूजेस एंड ग्रीसेस, ये सब बनाने के लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था 1993 में, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना, दूसरा भी एक एग्जांपल दे रहा है, ये सब याद नहीं करना। तीसरा भी एक एग्जांपल है, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी लिमिटेड, ठीक है, ये भी आपको याद नहीं कर रहा। अब मेन जो टॉपिक आ रहा है वो है बेनिफिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, बेनिफिट क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर करने का बेनिफिट क्या होता है। बिजनेसेस कैन अचीव अनएक्सपेक्टेड गेन थ्रू ज्वाइंट वेंचर विद अ पार्टनर with a partner, ठीक है। Joint venture can prove to be extremely beneficial for both the party involved. One party may have a strong potential for growth and innovation idea, but is still likely to benefit from the entering into joint venture because it enhances its capacity, resources and technical expertise. The major benefit of joint venture are as follows. देखिए, कोई कंपनी अगर joint venture में आएगी तो जरूर ऐसा बात है कि कुछ उसको ऐसा दिख रहा है जो कि दूसरे कंपनी से मिलेगा, ठीक है। तो सभी कंपनी, जो भी दो चार कंपनी एक साथ मर्ज होने वाली है, जॉइंट वेंचर में आने वाली है, उनका अपना अपना कुछ ना कुछ मेरिट है, ठीक है। तो ये उसके मेरिट के लिए काम करेगा और वो उसके लिए, दोनों का अपना अपना ग्रीड है, ठीक है। पहला, इंक्रीज रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी। उससे होगा क्या कि दो कंपनी अगर मर्ज हो जाएंगी तो उनके पास रिसोर्सेस यानी कैपिटल और कैपेसिटी उनका बढ़ जाएगा, ये एक बेनिफिट है। ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग resources and capacity enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. उससे क्या होगा कि उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो easily expand कर सकेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा the new business pulls in financially and human resources and is able to face market challenges and take advantage of the new opportunity, ठीक है। दूसरे, access to new market and distribution नेटवर्क, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही स्ट्रांग था, तो उसके लिए दूसरी कंपनी के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि दूसरी कंपनी को उस कंपनी का जो मार्केट चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। व्हेन अ बिजनेस इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, देखिए जैसे अनदर कंट्री के केस में ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में सपोज करिए आएगी तो वो इंडियन कंपनी के साथ क्यों जॉइंट वेंचर अगर करना है तो करेगी, क्यों, क्योंकि इंडियन कंपनी ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश है इंडिया में और उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, नेटवर्क होगा, तो जो बाहर की कंपनी आने वाली है उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा वो चैनल्स बनाने में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि व्हेन अ बिजनेस इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। फॉर एग्जांपल, व्हेन फॉरेन कंपनी फॉर्म जॉइंट कंपनी इन इंडिया, दे गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। देयर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव रीच्ड सैचुरेशन पॉइंट इन देयर होम मार्केट कैन बी इजीली सोल्ड इन द न्यू मार्केट। देखिए, वो कंपनी जो ऑलरेडी अपने होम कंट्रीज में बहुत ही अपने सैचुरेशन लेवल पे है, यानी सैचुरेशन लेवल कहने का मतलब उसके बाद उनका सेल बढ़ ही नहीं रहा, तो वो, लेकिन उनके पास कैपेसिटी है और सेल मतलब प्रोडक्शन करने का, तो वो क्या करेंगे कि अपने उस प्रोडक्ट को वहां पे प्रोड्यूस करके इंडिया में सेल करेंगे, इंडियन उन कंपनी के साथ इंडिया में जॉइंट वेंचर बना लेंगे जिसका की प्रोडक्शन चैनल ज्यादा हो और जिनको प्रोडक्ट का जरूरत है, ठीक है। They can also take advantage of the established distribution channel, that is the retail outlet, different local market, and otherwise establishing their own retail outlet may prove to be very expensive. देखिए, वो already जो company है उसका अपना outlet होगा, तो जो नई company है उसको ज्यादा पैसा खर्च होता अगर outlet अपना open करना पड़ता, तो ये सारे benefit है। Access to technologies, किसी एक कंपनी का अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो दूसरी कंपनी जो उस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आएगी उसको उसके टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू इंटर इनटू जॉइंट वेंचर। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दस लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। सिंपल सा बात बोला कि जिस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उसके साथ मर्ज कर जाएंगे तो मेरा, मुझे जो अपने टेक्नोलॉजी को बनाने में सब कुछ खर्च करना पड़ता वो मेरा बच जाएगा, यानी सभी का सिंपल सिंपल अपना अपना लालच है जिसके लिए वो जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं,
ठीक है, और उनको ऐसा दिख रहा है कि उसके थ्रू उनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अगला है हमारे इनोवेशन, द मार्केट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जॉइंट वेंचर अलाउज बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। तो इनोवेशन से देखिए, कोई कंपनी होती है जिस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च करती है और इनोवेटिव होती है, ठीक है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि दो कंपनी जब मर्ज हो जाएंगी तो दोनों मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो थोड़ा कॉस्ट दोनों में बढ़ जाएगा, तो इसलिए अच्छा। और वैसे भी जो फॉरेन कंपनी होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च करती है, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाने में, क्योंकि वो इनोवेटिव होती है और नए प्रोडक्ट्स बनाने में हमेशा एक्साइटेड होती है। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर दो कंपनी मर्ज हो जाएंगी यानी जॉइंट वेंचर में अगर काम करेगी तो दो और तो फिर दोनों का बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हो जाएगा और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, और लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन होगा तो उन कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। When international corporation invest in India, they benefit immensely due to the lower cost of production. अच्छा, और क्या है, जैसे इंडिया में है, इंडिया में जो cost of raw material, cost of labor है वो कम है, तो ये भी एक reason हो सकता है कि production cost कम करने का, ठीक है। They are able to get quality products for their global requirement. India is becoming an important global source and extremely competitive in many products. There are many reasons for this. Low cost of raw material and labor, technically qualified workforce, management, professional excellent manpower in different cadres like lawyers, chartered accountants, engineers, scientists. यानी इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है और सस्ता अवेलेबल है, इसलिए जो बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम है। The international partner thus gets the products of required quality and specification at a much lower cost than what is prevailing in the home country. जो उसके अपने देश में product produce करने में cost लग रहा है वो ज्यादा लगेगा as compared to कि वो India में produce करे। Established brand name, यानी देखिए एक established brand company है, उसके साथ कोई अदर कंपनी क्यों मर्ज करेगी, क्योंकि उसका अपना ब्रांड नेम ऑलरेडी है और सेल करने में ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होगा। फिर व्हेन टू बिजनेसेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर्स गुडविल व्हिच हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। एक कंपनी जिस जो मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसका अपना गुडविल होगा, तो वो जो दूसरी कंपनी है जिसका गुडविल नहीं होगा उसका उसको वही बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इफ द जॉइंट वेंचर इज इन इंडिया एंड विद एन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डजंट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग अ ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट और इवन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देयर इज अ रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट्स टू बी लॉन्च्ड, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्टेप इन द प्रोसेस, ठीक है। अगला हमारा एक छोटा टॉपिक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको ट्रिपल पी मॉडल बोलते हैं, पीपीपी मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सरकार कुछ पार्टनर प्राइवेट सेक्टर से मर्ज करके पार्टनरशिप में आके और कोई काम करती है, ठीक है। इसमें क्या फायदा होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अलोकेट्स टास्क ऑब्लिगेशन रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर इन द ऑप्टिमल मैनर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी होंगी वो टास्क यानी काम और ऑब्लिगेशन और रिस्क जो होगा कुछ पब्लिक को और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को दे देंगे। पब्लिक कहने का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी इंडिविजुअल्स को, ठीक है। पार्टनर्स इन पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटी, दैट इज मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज एंड स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। यानी पब्लिक में क्या क्या आ जाएगा, कोई मिनिस्ट्री होगा, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, म्यूनिसिपैलिटी होगा और स्टेट ऑन यानी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस होगा। द प्राइवेट पार्टनर कैन बी लोकल और फॉरेन and include businesses or investor with technical financial expertise relevant to the project. देखिए, जो PPP model है उसमें जो public sector है, यहाँ से देखिए, the public partners में क्या क्या होंगे, कोई ministry होगा, कोई government department हो सकता है, municipality होगा या state owned कोई company होगी यानी government company हो सकती है। On the other hand private में क्या हो सकता है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टर्स होता सकता है, मे बी इंडियन या फॉरेन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज हो चाहे वो प्राइवेट ओन्ड वाले हो, देखिए होता क्या है कि दोनों का अपना अपना मेरिट है। जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे हैं लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर उसके इम्प्लॉयज को काम दे दिया जाए तो वो काम कम करेंगे और
कुर्सी ज्यादा तोड़ने वाले हैं और अल्टीमेटली काम अच्छे से नहीं हो पा रहा और बहुत सारा करप्शन होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट प्लेयर्स से में पीपीपी मॉडल में कोई भी काम करवाती है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट जो भी काम करवा रही है, फॉर एग्जांपल सारा नहीं लेकिन मैक्सिमम काम वो पीपीपी मॉडल पे करवा रही है। फॉर एग्जांपल रोड बनाना हो गया, डैम बनाना हो गया, उसमें गवर्नमेंट के पास पैसे तो हैं, तो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोटिव है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो ये सब दोनों का अपना अपना बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, PPP also includes NGOs and other community-based organizations who are the stakeholder directly affected by the project. ठीक है? और PPP models पे कुछ NGOs भी उसमें आ जाते हैं, जो कि उस काम, जो भी काम हो रहा है, उसके stakeholders हैं। ठीक है, PPP is therefore defined as the relationship between, इसका definition है याद कर लीजिएगा, PPP is therefore defined as a relationship between public and private entity in the context of infrastructure and other services. यानी कोई infrastructure या other services को करने के लिए government और private players में जो relationship होता है उसी को बोलेंगे PPP. Under the PPP model, public sector plays an important role and ensures that the social obligations are fulfilled and sector reforms and public investment are successfully made. The government contribution to PPP is in the form of capital for investment and transfer of assets that support the partnership in addition to social responsibility. Environmental awareness and local knowledge. The private sector's role in the partnership is to make use of this their expertise. देखिए सिंपल सा बात है कि जो मेरा पब्लिक सेक्टर होगा यानी गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट का क्या काम है कि जो वो पीपीपी मॉडल्स के थ्रू जो भी काम कर रहे हैं उसे पब्लिक एट लार्ज को कोई नुकसान ना हो और वो पैसा प्रोवाइड कर देता है। और प्राइवेट प्लेयर्स का काम क्या होता है कि उनका जो भी एक्सपर्टाइज है उस काम को करने के लिए वो उसके थ्रू वो काम बेहतर तरीके से इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली कर सके। सेक्टर इन विच पीपीपीज हैव बीन कंप्लीटेड वर्ल्ड वाइड इंक्लूड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग एंड टेक्निक, टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन्स, रेलवेज, रोड्स, बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड हाउसिंग। यानी आज के डेट में पीपीपी मॉडल पे बहुत सारे काम वर्ल्ड वाइड में हो रहे हैं, whether it is hospital, schools building, teaching facility, stadium, सब कुछ बन रहा है PPP model पे। ठीक है, तो आपको बहुत ही मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ, आप appreciate करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और डाउट अगर फिर भी हो आपको तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। PPP model, सिंपल, अभी तो हमने PPP model कंप्लीट कर लिया, अब PPP model का हमारा फीचर क्या है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में, यानी गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट लोगों के बीच में। ठीक है, लोग कहने का मतलब प्राइवेट बिजनेसेस के बीच में। ठीक है, फैसिलिटीज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। देखिए जो भी काम होगा, जैसे अगर स्कूल बिल्डिंग बनेगा तो वो स्कूल बिल्डिंग किसका होगा, जो जिस जमीन पे बनेगा वो गवर्नमेंट का होगा, पैसा भी गवर्नमेंट देगी, बस जो प्राइवेट वाले हैं वो अपने एक्सपर्टाइज को यूज करके उस बिल्डिंग को बनाएंगे। ठीक है, key driver is the transfer of design and construction risk. ठीक है, key driver is the transfer of design and construction risk. ठीक है, अगला हमारा application. Suited to capital project with a small operating requirement. यहाँ पे suit ज्यादा होता है जहाँ पे capital project हो और small operating requirement हो. Suited to capital project where the public sector wishes to retain the operating responsibility. ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे सीधे क्या होगा कि जो डिजाइन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मली डिजाइन होगा वो किसका होगा, प्राइवेट वाले ने बनाया होगा, और कंस्ट्रक्शन रिस्क जो हमारा वो प्रोडक्ट बना जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया उसका रिस्क भी किसका होगा, प्राइवेट पार्टी का ही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें सुटेड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत जगह ये भी होता है कि एक बार बनाने से काम नहीं होता है, उसको फिर ऑपरेट कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर एक बार डैम बना दिया, ठीक है, तो डैम बनाने से नहीं होता है, उस डैम को रेगुलरली ऑपरेट भी करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो टेंशन उसके सर पे ना आए, वो फिर ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट वाले को दे देगी। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क और पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट को भी ये बात पता है क्या
कि जो उसके पब्लिक सेक्टर के इम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ज्यादा लगन से काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है चाहे वो काम करें या ना करें उनको तो पैसा मिलना है, तो इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर से हाथ मिला के और उस काम में को एक्सेलरेट करने में उसको मदद मिलता है, क्योंकि वो अपने एक मोटिव के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अच्छा, वीकनेस क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टी मे राइज ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखिए, नॉर्मली गवर्नमेंट एनवायरमेंट को ध्यान रखती है, लेकिन उसको काम भी चाहिए, लेकिन प्राइवेट वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि काम थोड़ा जल्दी कर देते हैं लेकिन एनवायरमेंट थोड़ा सा, एनवायरमेंट के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। Doesn't attract private finance, और इन कामों में private वाले लोग, देखिए 100% पैसा जो लगेगा वो government का ही होगा, private वाला पैसा नहीं लगा। Example क्या है? कुंडली मनेसर Expressway Limited, कुंडली से लेके मनेसर तक एक Expressway बना है और वो PPP मॉडल पे था। 135 किलोमीटर Expressway है, land has been provided by the government, जिसमें कि land किसने दिया? Government ने, और services has been laid by the company, और गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया और पैसा दे दिया होगा, और फिर जो काम वो बना किया गया है वो उस कंपनी ने किया है, प्राइवेट वाले ने, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल बस आपके समझने के लिए, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, की टर्म्स हमने क्या कर लिया, नहीं किया, ये हो गया स्टैट्यूटरी हो गया, ये भी सब हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी जहां पे पैसा पब्लिक एट लार्ज का लगेगा वहां पे पब्लिक को जवाबदेही देना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबल कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया। ये समरी है, खुद पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस भी आप करिएगा, जो भी डाउट हो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मी बीइंग अवेलेबल, ठीक है। तो आप जरूर करिएगा, और आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना मेहनत लग रहा है आपको ये सब पढ़ाने में, तो अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, कोई डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, बाय, थैंक यू वेरी मच।